कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। टिकट के बाजार में कितनी तेजी और आएगी, क्या एमएसएस स्क्रैप का भाव 44,000 हो जाएगा, क्या सरिया का भाव 60,000 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का भाव, साथ ही पुराने लोहे के भाव की जानकारी, कास्ट आयरन का भाव, एचआरसी सीआरसी क्वाइल के भाव की जानकारी, और रोजाना की तरीके आपको बताते हैं जैसे कि सरिया के भाव, किस तरीके से सरिया में कामकाज हो रहा है, और एमएस पाइप की जानकारी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर बिकवाली कर सकते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि मार्केट खुलने से पहले मार्केट की जानकारी आप लोगों को यहां पर आप लोगों को हमेशा मिलती रहती है। इसी तरीके से आप लोगों को, आप अगर हमारे साथ रोजाना अगर मार्केट खुलने से पहले मार्केट की जानकारी जानना चाहते हैं तो सुबह 9:30 बजे शार्प आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का भाव कल 53,500 रुपये हो गया, जैसे कि लगातार आपको बताते हुए थे बाजारों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल 900 रुपये की एक जबरदस्त तेजी के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 42,500 रुपये हो गया। एमएस स्क्रैप के भाव में भी एक जबरदस्त तेजी, लगभग निचले स्तर से 900 रुपये की बढ़त देखी गई। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये हो गया। चलिए जान लेते हैं कास्ट आयरन की स्थिति क्या रही। कास्ट आयरन की अगर देखा जाए, कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 500 रुपये प्रति टन बढ़ के 44,500 रुपये हो गया। इंपोर्टेड का भाव 45,500 रुपये बाजारों पे कामकाज हुआ है। चारसी सीआरसी क्वाइल की स्थिति जान लेते हैं। चारसी सीआरसी क्वाइल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा, जहां पर भाव थे वहीं पर अब फ्लैट बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। लुधियाना एचआरसी क्वाइल का भाव 57,500 रुपये, सीआरसी क्वाइल का भाव 67,800 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी सीट का भाव 59,000 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 68,000 रुपये, कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 57,000 रुपये, सीआरसी सीट का भाव 66,300 रुपये देखा गया। रायपुर एच बी वायर की बात कर लेते हैं। रायपुर एच बी वायर का भाव 58,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बोला जा रहा है। एमएस पाइप में कल 600-700 रुपये प्रति टन की बढ़त देखी गई। गोविंदगढ़ पाइप का भाव 56,700 रुपये हो गया। रायपुर पाइप का भाव 55,000 रुपये बाजारों पे कामकाज हुआ। यहाँ जो भी भाव दिए जा रहे हैं ये बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। लोडिंग अनलोडिंग फ्रेट का चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा। अब आप लोगों को बता देते हैं टीएमटी का भाव क्या रहा है। टीएमटी की अगर बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़, टीएमटी का भाव 58,100 रुपये, दुर्गापुर का भाव 49,200 रुपये, इंदौर का भाव 55,000 रुपये रहा, रायपुर का भाव 53,500 रुपये, जयपुर का भाव 56,200 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव की बात करें तो 56,200 रुपये, भावनगर की बात करें तो 56,600 रुपये, गाजियाबाद का भाव 57,700 रुपये, जलना का भाव 56,000 रुपये रहा। जैसे कि लगातार न्यूज़ मार्केट 24 हमेशा कोशिश करता है कि आप लोगों को सही समय पर सटीक जानकारी देने की कोशिश करता है। आप लोगों को फिर दोबारा से बताया था कि बाजार में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी पब्लिश करी थी और आपको बताया था कि बाजारों में आने वाले समय में आप तेजी देख के चल सकते हैं, बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे लंबी चौड़ी तेजी आ जाएगी तो लंबी चौड़ी तेजी के आसार नहीं है। बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में ही बाजारों में कामकाज देखा जाएगा। बाजारों में इस हफ्ते की रेंज जो देखी जा रही है, फिलहाल इस हफ्ते की रेंज 51,000 से 55,000 रुपये की रेंज हो गई। 51,000 से 55,000 रुपये की रेंज में बाजारों में इस हफ्ते बाजारों में कामकाज देखा जाना चाहिए। बाजार अगर कहीं गिरावट आए तो आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में अगर आज की बात करी जाए, एमएस सिंगट का सपोर्ट का लेवल 52,500 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 54,500 रुपये। इसी तरीके एमएस स्क्रैप का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 41,600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 43,500 रुपये का देखा जा रहा है। वरिष्ठ जानकारों के अनुसार आने वाले समय में एंगल पाइप पतरा और गार्टर चैनल और सरिया के भाव में आप और भी बढ़त देख के चल सकते हैं। लेकिन ऊपरी स्तर पर समय समय पर जिन लोगों को मुनाफा हो रहा है और 1,000 से 1,500 रुपये प्रति टन बढ़ के अगर आप लोगों को मुनाफा मिल रहा है तो समय पर अपना प्रॉफिट जरूर छोटा छोटा बुक करते हो चलेंगे। बाजार में गिरावट आएगी तो आप लोग दोबारा गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।